नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ग्राम पंचायत में टैक्स लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसी के संबंध में मैं आपको एक एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहता हूँ। आप मेरे पंचायत अपन पोर्टल की जो है प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें प्रत्येक टैक्स की पूरी शुरू से आखिरी तक प्रोसेस बताई गई है। प्रत्येक टैक्स के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके भुगतान ऑनलाइन करने तक की पूरी प्रोसेस बताई गई है, तो आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। और अब आज हम बात करेंगे बाजार फीस वसूली की। जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दोस्तों कुछ ना कुछ बाजार लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए साप्ताहिक हाट बाजार लग रहा है ना, या फिर गोडाउन है, वेयर हाउस है, कोई सी दुकान है, जो भी चीजें हैं बाजार से रिलेटेड। तो दोस्तों मान लीजिए सब्जी बाजार लग रहा है, जो भी लग रहा है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो उसके लिए बाजार फीस वसूली जो हमें लेना है, और पिछले वर्षों की तो उसका, और अब इस वर्षों की, तो इसमें दोस्तों जो है एक दो फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, तो वो फॉर्मेट भी हम देखेंगे, और उन फॉर्मेट को मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप उसको देखकर बिल्कुल जो है एक रजिस्टर बढ़िया बना सकते हैं और पूरी जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें काम भी पड़ेगा, तो इसलिए रजिस्टर आप बना लें। तो मैं वो फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश निकला है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पंचायत दर्पण पोर्टल पर हर अपडेट से अवगत कराते जाता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज हम जो टैक्सेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बाजार टैक्स का जो रहता है, उसके संबंध में बात करेंगे, बाजार फीस वसूली के संबंध में। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप पंचायत दर्पण पोर्टल की मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है उसको देख के, उसमें सारे टैक्सेस के बारे में एक एक करके बताया है, मास्टर डाटा प्रबंधन भी, बाकी सारे टैक्सेस, जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर, प्रकाश कर, सभी टैक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिरी तक बताया है। मतलब एंट्री से पंजी बनाने से लेकर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर भुगतान ऑनलाइन करने तक भी, पूरा प्रिंट करने तक भी बनाया है, बिल प्रिंट करने का सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों जो बाजार फीस वसूली के संबंध में जो नया आदेश निकला है उसके संबंध में जानेंगे। कुछ फॉर्मेट, दो फॉर्मेट हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दूंगा, जिसको डाउनलोड कर आप आसानी से प्रिंट भी कर सकेंगे और जानकारी दे सकेंगे अपने वरिष्ठ कार्यालय में। चलिए तो देखते हैं दोस्तों हम। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जैसे पहले कैप्चा कोड अभी नहीं आ रहा था, फिर से कैप्चा कोड अब आने लगा है लॉगिन करते समय, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही पंचायत दर्पण पोर्टल ओपन करेंगे, prd.mp.gov.in, ऐसा जैसे ही आप लिखेंगे पंचायत दर्पण पोर्टल, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों जैसा अभी कुछ दिनों से कैप्चा कोड बंद था, वो लॉगिन के समय वो फिर आप आगे आ जाइए। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ जो आ रहा है पोर्टल लॉगिन के समय यूज़र आईडी आ रहा है, पासवर्ड और कैप्चा कोड अब फिर से आने लगा है। तो हमें यूज़र आईडी, पासवर्ड आने के बाद कैप्चा कोड डालकर फिर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाजार फीस वसूली के संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश निकला है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश निकला है, क्रमांक 632632, भोपाल दिनांक 28/6/2022 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित बाजारों से फीस वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने के संबंध में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी स्वयं की आय में निरंतर वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा तथा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर तथा फीस आदि अधिरूपित तथा संकलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु इन करों तथा फीस आदि का अधिरोपण एवं संकलन, मतलब पहले तो उन पर टैक्स लगाना, फिर उसका कलेक्शन करना अति आवश्यक हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती कॉलोनियों तथा बाजारों के चलते इस अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में सम्मिलित बाजार फीस भी है, ठीक है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 की उपधारा 1 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत उन व्यक्तियों पर बाजार फीस अधिरूपित की जा सकती है जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रण अधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें से किसी भवन या संरचना में विक्रय के लिए माल रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जरूर देख लीजिए। ये आप टैक्स करें कलेक्शन तो ये धारा मेन बता सकते हैं आप। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 की उपधारा 1 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत उन व्यक्तियों पर बाजार फीस अधिरूपित की जा सकती है जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रण अधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें से किसी भवन या संरचना विक्रय के लिए माल रखते हैं। समीक्षा में यह तथ्य सामने आए कि प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों के द्वारा अनिवार्य श्रेणी में सम्मिलित होने के बाद भी बाजार फीस का निर्धारण एवं संकलन नहीं किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम अभियान रूप में सघन सर्वे कर समस्त ग्राम पंचायतों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की जानकारी प्रारूप 1, ये हम देखेंगे अभी, में तथा अन्य स्थायी बाजारों, दुकानों एवं शोरूम, मॉल्स आदि प्रतिष्ठानों की जानकारी संलग्न प्रारूप 2 में संकलित की जावे। ये प्रारूप 2 भी हम देखेंगे। साथ ही यह जानकारी पंचायत भवन पोर्टल पर ऑनलाइन भी संधारित की जावे। मैंने इस पर वीडियो बनाया भी है और आगे और बना दूंगा वीडियो बाजार फीस किस तरह से हम ऑनलाइन करें। पंचायत भवन पोर्टल पर इन दैनिक बाजारों, स्थायी बाजारों एवं शोरूम मॉल्स आदि के जियोटेक फोटोग्राफ्स भी अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएँ। यह कार्रवाई 31 जुलाई 2022 तक अनिवार्यता पूर्ण कर ली जाए। मतलब दोस्तों जैसे आज 1 जुलाई है तो आप ये मान के लिए 1 महीना है, 31 जुलाई 2022 तक पूरी कार्रवाई ये करना है, ठीक है। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई के पश्चात समस्त ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से बाजार फीस निर्धारित कर देय दिनांक से मांग पत्र तैयार कर सर्व संबंधितों को जारी किए जाकर उनकी वसूली नियमित रूप से की जाने पर विशेष ध्यान दिया जावे, ठीक है। यह देखा गया है कि प्रदेश के बड़े नगरों के निकट स्थित ग्राम पंचायतों में संचालित मॉल, शोरूम तथा हाट बाजारों के विस्तार होने के बाद भी बाजार फीस संकलन अत्यंत ही कम है, तथा ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर बाजार फीस निर्धारण एवं संकलन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाकर लक्ष्य प्राप्ति की निरंतर समीक्षा की जावे। यदि ग्राम पंचायत द्वारा हाट बाजारों से फीस की वसूली हेतु सार्वजनिक नीलामी की जाती हो तो इस संबंध में पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत फीस संग्रहण का पट्टा नियम 1995 के प्रावधानों का पालन किया जाए। नीलामी प्रक्रिया की सूचना एवं कार्रवाई विवरण पंचायत भवन पोर्टल पर अनिवार्यता अपलोड किया जाए, ठीक है। यदि नीलामी की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसको भी जो है पंचायत भवन पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। बाजार फीस के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त राशियों की रसीद मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 लिखित प्रारूप क्रमांक ग्राम पंचायत लेखा 2 में अनिवार्य रूप से प्रदान की जावे। अभी हम देखते हैं, बाजार फीस से होने वाली समस्त आय को उसके पूर्ण विवरण सहित पंचायत भवन पोर्टल पर दर्ज किया जाए। बाजार फीस कैशलेस रूप से प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा उनके एकल खाता बैंक के साथ समन्वय कर UPI, QR कोड तथा POS मशीन का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। तो हम जो है दोस्तों यदि चाहते हैं कि कैशलेस रूप में प्राप्त हो, ज़्यादातर इस कहा भी जा रहा है आदेश में, तो हम दोस्तों सीधे UPI के माध्यम से हमारे पंचायत के बैंक अकाउंट में जो है टैक्स प्राप्त कर सकते हैं। UPI या QR कोड बना सकते हैं या POS मशीन द्वारा किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा UPI रहता है, हर व्यक्ति चलाते हैं, तो UPI के माध्यम से आप पंचायत खाते में ले सकते हैं और फिर उसको रिसिप्ट बनाकर उसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। बाजार फीस सहित अन्य फीस एवं करों के निर्धारण एवं संकलन हेतु पंचायत समन्वय अधिकारी को उसके क्षेत्र के लिए तथा खंड पंचायत अधिकारी को संबंधित जनपद पंचायत के लिए उत्तरदायित्व सौंपा जाए। पंचायत समन्वय अधिकारी PCO और खंड पंचायत अधिकारी जो पंचायत इंस्पेक्टर साहब रहते हैं वो, है ना। अच्छा, इनका जो पंजीयन होगा दोस्तों बाजार फीस के अंदर ये होगा संस्था में, जैसे हम व्यक्तिगत में आम लोग करते हैं जो हमारे निवासी रहते हैं ग्राम पंचायत के, तो संस्था के रूप में जो है बाजार का जो इनकी शॉप है या फिर जो पेट्रोल पंप है या फिर गोडाउन है जो भी है तो बियर हाउस है, तो उनका जो है संस्था के रूप में हमें पंजीयन करना पड़ेगा। जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर सर्वाधिक बाजार फीस तथा अन्य कर अधिरोपित एवं वसूल करने के आधार पर ग्राम पंचायतों की ग्रेडिंग की जाकर प्रसारित की जाए, जिससे कि प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो तथा ग्रेडिंग में पिछड़ रही पंचायतें भी प्रयास प्रारंभ
कर सके। महाविशेष के लिए ग्रेडिंग पंचायत अर्पण पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी जिसका उपयोग किया जा सकेगा। इसकी पंचायत अर्पण पोर्टल पर भी ग्रेडिंग होगी और वो दिखेगी भी, ठीक है। तो यह है दोस्तों, पंचायतें एक स्वायत्त निकाय होकर अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती है, अतः उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। इस संबंध में उपरोक्त अनुसार कार्रवाई किए जाने से संभावित परिणाम अपेक्षित है, अतः तद अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न प्रारूप एक एवं दो, हम दोनों प्रारूप देखते हैं अभी। प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह आदेश निकाला जा चुका है दोस्तों और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। चलिए हम प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप पहला दोस्तों जो है साप्ताहिक बाजार फीस की जानकारी आप रजिस्टर में भी बना सकते हैं दोस्तों, बढ़िया, या फिर लेटर पेड पे या फिर कंप्यूटर पे बना सकते हैं, या फिर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो इसी का प्रिंट भी ले सकते हैं। बाकी आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रमांक में आपको और भी आएंगे, इसलिए रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप प्रारूप फर्स्ट साप्ताहिक बाजार फीस की जानकारी। क्रमांक पहले रहेगा ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का स्थान, यहाँ वो स्थान लिखना है पूरा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का दिन किस दिन लगता है, है ना, पहले स्थान हो गया, फिर दिन, मान लीजिए मंगलवार लगता है या बुधवार या शुक्रवार, जिस दिन भी लगता है वो लिखना है। साप्ताहिक बाजार में लगने वाली दुकानों की अनुमानित संख्या, कितनी संख्या है साप्ताहिक बाजार में, कितनी, मान लीजिए सब्जी बाजार लग रहा है तो उसमें कितनी अनुमानित संख्या है, 50 है, 60 है, 80 है, जो भी है वो लिखना है। अधिरोपित बाजार फीस, हमने उन पर टैक्स क्या अधिरोपित किया है, क्या लगाया है, फिर वसूल कितना किया, वसूल की गई बाजार फीस वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23, तो 2022-23 तो अभी चल रहा है तो अभी कितना लिया है, पिछले वित्तीय वर्ष में कितना लिया है, फिर उसके पिछले वर्ष में, तो 2020-21, 21-22 और 22-23, तो इस तरह से लिखना है दोस्तों। आप बढ़िया रजिस्टर बना सकते हैं, यहाँ वीडियो को पॉज कर आप आसानी से रजिस्टर बना सकते हैं। प्रारूप दो देख लें दोस्तों। प्रारूप दो है अन्य बाजार फीस की जानकारी। क्रमांक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का प्रकार, स्थायी दुकान, अस्थायी दुकान, शोरूम, मॉल आदि, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान का प्रकार, व्यावसायिक दोस्तों जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी स्थायी दुकान है इसमें सब आ जाएंगे, वेयर हाउस, गोडाउन, है ना, और शोरूम, मॉल सभी आ जाएंगे। तो उनका उनके बारे में यहाँ हमको बताना है, उसका प्रकार क्या है, स्थायी दुकान है, वेयर हाउस है, क्या है वो यहाँ लिखना है। यहाँ क्रमांक यहाँ वो लिख देंगे कि क्या वेयर हाउस है या शोरूम है या मॉल है या दुकान है, जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम है उनका नाम किस नाम से है वो लिखना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का नाम, उनके मालिक का नाम लिखना है। क्या प्रतिष्ठान से बाजार फीस ली जा रही है, हाँ अथवा नहीं, यदि नहीं ली जा रही तो नहीं, हाँ ली जा रही तो हाँ, यदि बाजार फीस नहीं ली जा रही है तो किस अवधि से लंबित है, यदि नहीं ली जा रही तो किस अवधि से लंबित है, मान लीजिए 3 साल से 4 साल से जब से लंबित है, यदि 10 साल से तो वो लिखें। कुछ कुल लंबित बाजार फीस की राशि, अब वो लंबित जो राशि रहेगी वो भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से प्रारूप दो है, हमने दोनों प्रारूप देख लिए। आप आसानी से ऐसा रजिस्टर बना लें एक एक दोनों का, पहले प्रारूप एक का बना लें पूरा इस तरह से, फिर प्रारूप दो का बना लें और उसमें पूरी जानकारी फिल करते जाएं क्योंकि आगे भी ये काम आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हर जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।